निशिका बेस्ट गार्डन में आप सबका स्वागत है। मैं जफर आज आपके सामने एक बहुत ही उपयोगी और खूबसूरत पौधा लेकर आया हूं जिसका नाम है अतिबला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने घर के आसपास पाए जाने वाले पौधों के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अतिबला जौन शक्तिवर्धक अर्थात सेक्स पावर बढ़ाने वाला, शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाला, कुष्ठ रोगों में, लीवर की प्रॉब्लम्स में और अल्सर इत्यादि में बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। इसका वनस्पतिक नाम अब्यूटिलॉन इंडिकम होता है। यह ऑर्डर मालवेल और फैमिली मालवेशी का मेंबर है। इसकी फैमिली के अन्य पौधे हैं जैसे कपास, भिंडी और चाइना रोज। इसकी चार प्रजातियां हैं, बला, अतिबला, महाबला और नागबला। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में मुख्यतः पाया जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाता है। ये वर्षा ऋतु में पाया जाने वाला पौधा है और ये खुद ब खुद सड़क के किनारे, झाड़ियों में और खेतों के किनारे उग जाता है। ऊंचाई लगभग 2 से 5 फुट तक होती है। ये एक झाड़ीनुमा पौधा है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि इसे वेलवेट का स्वरूप देते हैं। इसकी पत्तियां दिल के आकार की होती हैं और इसके फूल 5 पंखड़ियों के साथ पीले रंग के होते हैं और इसका फल बहुत ही खूबसूरत, जिसे शाइजोकार्प कहते हैं, भूरे रंग का होता है। इसमें बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इसे औषधीय गुणों से भरपूर बना देते हैं, जैसे हेस्कोसेस, बीटा सीटा सिट्रोल, पैरा कॉनमेरिक, एसाइक और फ्यूमेरिक एसिड, एलेंटोलैक्टोन, आइसोलेंटोलैक्टोन। अगर इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो यह रस में मधुर होता है अर्थात मीठा होता है। इसके गुण लघु हैं अर्थात यह पचने में आसान है। इसका विपाका रस मधुर होता है। इसका वीर्य अर्थात तासीर ठंडी या सर्द होती है। 3 दोषों में से ये 2 दोष वात दोष और पित्त दोष का निवारण करने वाला पौधा होता है। साथियों, अब आइए जानते हैं कि इसे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे किन नामों से जाना जाता है। इसका इंग्लिश नाम कंट्री मालो या इंडियन मालो है। इसे हिंदी में कंघी, काकाही, झिल्ली, अतिबला या इतावरी कहते हैं। कन्नड़ में इसे टुट्टी उर्की, तेलुगु में टुट्टूरू बेंडा, तमिल में पैरुम टुट्टी, बंगाली में पेटारी या पोटारी कहते हैं, मराठी में इसे मुद्रा या पेटारी कहते हैं, गुजरात में इसे खापट या डबाली या कामा साकी कहते हैं, मलयालम में इसे बैलूला, आसामी में इसे जापा पेटारी या जोपा बोंधा कहते हैं, अरेबियन में इसे मस्थुल गोला कहते हैं। और अब आइए जानते हैं कि अतिबला किस प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है। सर्वप्रथम अपना शरीर बलशाली और मांसल बनाने के लिए अधिकतर युवा इसके लिए जिम जाते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन जिम में जाते वक्त वह जिम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं और सप्लीमेंट्स एक तो बहुत महंगे होते हैं और दूसरा उनके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। शरीर को मस्कुलर बनाने के लिए और पतले इंसानों को मोटा होने के लिए आपने क्या करना है कि गोखरू, ताल मखाना, शतावर, कोंच के बीज, नागबला, अतिबला सबको 50-50 ग्राम ले लेना है और इसे महीन चूर्ण बना लेना है और इस चूर्ण को 2 ग्राम मिश्री मिले दूध को गुनगुना सुबह शाम पीना है, तो इससे आपका शरीर बहुत ही बलशाली और मस्कुलर बन जाएगा। यह स्वप्न दोष, शीघ्र पतन में भी बहुत उपयोगी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोटे इंसान इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो मोटे आदमी हैं वह अपने शरीर की कमजोरी दूर करने के लिए और अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए इसके बीज का चूर्ण लगभग 1 ग्राम मिश्री मिले दूध में लेना है, तो मोटे व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। धात के रोग में इसके पत्ते का चूर्ण लेने से धात का रोग ठीक होता है। सदा जवान बने रहने की चाहत सबकी होती है।
तो इसके पत्ते का उपयोग करने से इंसान सदा जवान रह सकता है। ये वीर्य दोष स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके बीज अगर हम लेते हैं तो वह बवासीर को भी दूर करेंगे। आँखों के रोगों के लिए भी अतिबला बहुत उपयोगी है। अतिबला का उपयोग आँखों की बीमारियों में इस प्रकार करना है कि बला और बबूल के पत्ते का लेप बना लेना है और इसे अपनी आँखों के बाहर लगाना है तो आँखों की बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। कई बार पॉल्यूशन की वजह से, एलर्जी की वजह से, जब बहुत ज़्यादा बोलने की वजह से हमारा गला बैठ जाता है, उस वक्त 1 से 2 ग्राम जड़ का चूर्ण बना लेना है, उसे मिश्री और घी और शहद में मिलाकर चाटने से गला बैठने की समस्या ठीक हो जाती है। किसी भी प्रकार के गोइटर में पीपली, गिलोय, नीम, हंसपदी, कुटाज, बला, अतिबला का चूर्ण बना के 7 दिन उपयोग करने से गोइटर की समस्या ठीक होने लगती है। हर्निया में इसकी जड़ दूध और अरंडी का तेल मिलाकर पीने से बहुत ही आराम मिलता है। प्रसव पीड़ा में जड़ का काढ़ा घी मिलाकर पीने से बहुत आराम मिलता है। इसका सेवन सुबह और शाम करना है। गर्भावस्था का दर्द होने पर जड़ का काढ़ा घी में लेने पर दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। गर्भधारण में समस्या होने पर इसकी जड़, मिश्री और मुलट्ठी 3 से 6 ग्राम शहद में लेने से आपको बहुत आराम मिलेगा। बार बार अबॉर्शन होने की स्थिति में भी यह प्रयोग किया जा सकता है। बार बार पेशाब आने पर जड़ की छाल का चूर्ण चीनी के साथ और काली मिर्च के साथ लगभग 10 ग्राम लेने से बार बार पेशाब आने की समस्या में आराम मिलता है। अगर शरीर में ताकत की कमी है, बारी बारी थकावट हो जाती है, तो इसकी बीज, जड़ की छाल, दूध में घी मिलाकर लेने से शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। पेट का दर्द होने पर सौंठ, लाख, पृष्ठन पल्ली और अतिबला की जड़ की छाल महीन पीस का चूर्ण बना लें और इसका सेवन करने से पेट के दर्द में आराम मिलता है। अगर किसी जगह दर्द है या सूजन है तो इसके पत्तों से सेकने से वह दर्द और सूजन ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का प्रदर होने पर, श्वेत प्रदर होने पर जड़ का चूर्ण शहद में लगभग 3 ग्राम लें और दूध से उसका सेवन करें तो श्वेत प्रदर में बहुत आराम मिलता है। बवासीर में पत्ते का काढ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके लिए आपने पत्ते का काढ़ा और ताड़ का गुड़ मिलाकर पीना है तो आपको बवासीर में बहुत आराम मिलेगा। दस्त होने पर पत्ते को देसी घी में मिलाकर पीने से दस्त में आराम मिलता है। मसूड़ों का सूजन होने पर काढ़ा बना लेना है इसकी जड़ों का और उससे कुल्ली करनी है तो मसूड़ों की सूजन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। साथियों, अतिबला का प्रयोग करने से पहले अपने चिकित्सक या वेद हकीम से सलाह अवश्य लें। यह वीडियो एक जानकारी देने और एजुकेशनल वीडियो की तरह बनाया गया है। इसका प्रयोग अपने समझ के हिसाब से करें। साथियों, अगर आपको पाचन समस्या है या हाजमा आपका ठीक नहीं रहता है तब इसे ना लें, पहले अपनी पाचन समस्या का हल कर लें, अन्यथा ये अच्छा फल नहीं देगी। कम उम्र में इसे ना लें और अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको पहले से ही कोई बीमारी है, तो इसका उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक या डॉक्टर या वेद हकीम से सलाह जरूर लें। साथियों, मुझे आशा है कि अब आपको अतिबला के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।